राधे राधे जी, स्वागत है आपका ब्रज की रसोई में। कैसे हैं आप सब? आप आशा करते हुए आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज बन रही है ब्रज की रसोई में गोभी मटर आलू की सब्जी। और देखिए, तेल डाल दिया मैंने 2 चम्मच, और 2 बड़े चम्मच तेल है, और थोड़ी सी राई है, थोड़ा जीरा है, 1 चम्मच भर के हल्दी है, और ये मैंने सूखा धनिया डाला है इसमें साबुत, और ये मिर्ची और हरी मिर्चें हैं 2, और आधा सा 1 इंच टुकड़ा अदरक का है। अब हम इसको चलाएंगे और ये हल्के से फ्राई हो जाए, तो मैंने मटर डाल दी इसमें। ये मटर को थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर चढ़ जाए, फिर आलू डालते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ऐसे, और ना कुछ मसाले में बनती है। अब आप चाहें तो इसमें प्याज भी काट के डाल सकती हैं, लहसुन भी डाल सकती हैं। मैं नहीं खाती हूँ, ना हमारे परिवार में बनता है लहसुन प्याज। मैंने आलू डाल दिए। ऐसा भी नहीं है, मेरी बेटी तो खा लेती है, लेकिन फिर बेटी के लिए क्या भोग लगता है, नहीं बनती अलग से। वो कभी उसका मन होता तो बाजार में जाके खाए आती है। बेटा तो बिल्कुल नहीं खाता, वो तो पूजा पाठ में लगा रहता है, उसी की वजह से सबने छोड़ दिए। अब इनको ऐसे करके थोड़ा खोल लेती हूँ, मसाला चढ़ जाए इन पे। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, और ये तो लोहे की कढ़ाई में तो सबसे ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, और खुली सब्जी बनाती हूँ। ठंडी का मौसम है, चूल्हे पे बनाती हूँ, मिट्टी का चूल्हा है, उस पे बनाती हूँ। और क्या बताऊँ आपको, आप सब जानते, वैसे तो कुछ खास नहीं है, बाकी बहुत टेस्टी है। स्वादानुसार नमक है, आप स्वादानुसार नमक डालना जितना आप खाते हो, और तीखा चटपटा जितना आप ज़्यादा तीखा खाते हो उतनी उसमें थोड़ी मिर्ची और डाल दें, लाल मिर्ची डाल दें। मैंने नहीं डाली, मैंने हरी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची आज नहीं डाली, क्योंकि ज़्यादा लाल मिर्च खानी भी नहीं चाहिए, नुकसान करती है सेहत के लिए, सही नहीं होती है। अब ये थोड़े से पक गए, अब इस पर गोभी रख देती हूँ। तबीयत सही नहीं थी, बहुत ठंड है, खांसी जुकाम का चल रहा है, आज मौसम ही खराब है। आज बहुत ठंड है वृंदावन में, सूखी गलन हो रही है। ठंडी के मौसम में तो भर भर के सब्जी, पराठे, रोटियां, सब आनंद आ जाता है, ऐसे सब्जी मिल जाए तो। मैं सारी गोभी रख देती हूँ उस पे, फिर इसको ढक देती हूँ, क्योंकि अभी ये ऊपर से दब जाएगी, नीचे को भी ढक देती हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ी बैठ गई है गोभी में, पानी तो मैंने इसमें डाला नहीं, क्योंकि ये गोभी ताज़ा गोभी लेके आई थी मैं आज ही मंडी से, तो ये पानी छोड़ती है, आपको पता है, इसमें पानी तो डालते नहीं है सब्जी में। अब गोभी ने पानी छोड़ दिया है थोड़ा, ये टमाटर डाल दिए, सब्जी बन चुकी है, टमाटर डाल दिए। ऐसे टमाटर बहुत अच्छी लगती है, थोड़े खड़े रहते टमाटर तो अच्छी लगती है। ग्रेवी बना के भी छोंक सकते हो, छोंक में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऊपर से डाल के बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। हल्दी आपको थोड़ी कम लग रही होगी, बाकी हम मुझे इतना ही चलता है। आपको कम हल्दी लग रही होगी इसमें, आप थोड़ी हल्दी बढ़ा दें, जितनी इसमें देखने में लग रही है कि इसमें हल्दी
कम है, इतनी कम नहीं है, लग रहा है कि हाँ हल्दी कम है। आप थोड़ी हल्दी और मिला लें, एक बार बना के देखें, बहुत टेस्टी बनती है। खुली सब्जी लोहे की कढ़ाई में बोरी बहुत ज़्यादा वेरी टेस्टी बनती है। अब ये बन चुकी है सब्जी, हरा धनिया डाल दिया मैंने इसमें काट के धुल के। ये एक चम्मच थोड़ा सा कम गरम मसाला डाल दिया, अमचूर मैंने डाला नहीं था, अमचूर इसमें टमाटर इतने हो गए थे, चार टमाटर काट के डाले थे बड़े बड़े, तो इसलिए इसमें अमचूर नहीं डाला। अब सब्जी तैयार है आप सबके लिए, आइए गर्मा गर्म खाइए।